नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसएबीसी क्लास। जैसा आपके आपको पता होगा, वर्कशीट नंबर 66 से जो आपकी वर्कशीट आ रही है वो रिवीजन के दायरे के अंदर आ रही है। मैथ, हिंदी, एसएसटी की वर्कशीट हो चुकी है, तो वर्कशीट जो रह गई है वो इंग्लिश और साइंस की है। इंग्लिश की बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी और साइंस की भी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। तो अब आपको भी कस के कमर बांध लेना है, क्योंकि आपको पेपर की तैयारी करनी है बड़े जोर से। याद रखिए, हर एक इंसान जीनियस होता है, लेकिन उसे इस बारे में खुद मालूम नहीं होता। लाइफ में सब बड़ा करना चाहते हैं, बड़े बड़े गोल बनाते हैं, लेकिन उस गोल को हासिल करने के लिए कुछ काम नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं कर रहा, बहाना बनाने लगते हैं। क्या कभी आपने अपने खुद से पूछा कि जो भी आपने गोल बनाया उसे काम को पूरा करने के लिए क्या आपने अपना पूरा 100% दिया? आपको जवाब मिलेगा नहीं, जब आप अपने किए गए कमिटमेंट पर खुद नहीं खड़े उतर रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो टाइम टेबल तो बना लेते हैं, बहुत अच्छा है, टाइम टेबल बनाना भी चाहिए, हम इस प्रकार से ऐसे करेंगे, वो करेंगे, वो कर देंगे, लेकिन टाइम टेबल चलता कितने दिन है? एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच, रोज नहीं चलता। आगे जाके वो आपका रुक जाता है, आप उसे फॉलो ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो टाइम टेबल आपने कहीं देख के बनाया है, किसी से पूछ के बनाया है, आपने खुद नहीं बनाया है। रट्टा कर रहे हैं, रट्टा करने से नहीं होता, बात को समझना चाहिए। कोई भी आपका प्रश्न हो उसे समझ के आपको लिखना चाहिए। तो क्या कहेंगे, सर हम टाइम टेबल ना बनाएं? नहीं, बनाएं, बिल्कुल बनाएं, लेकिन आपको अपने अनुसार टाइम टेबल बनाएं, किसी देख का ना बनाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति के पास भी समय अलग होता है। जीवन में बस दो ही चीजें हैं, इसका आंसर बहुत ही आसान है, या करो या ना करो, या करो या ना करो। और जिस भी चीज को करो पूरी शिद्दत से करो, बाद में ये नहीं कहो अगर मेरे पास ये होता तो वो कर लेता, ये होता तो वो कर लेता। आपको ऐसे बोलने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे। समस्या का हल बहुत ही आसान है, लेकिन समस्या बड़ी तब हो जाती है जब हम अपनी बड़ी सोच के साथ छोटे छोटे प्रयास नहीं करते। बड़ा सोचना गलत नहीं है, बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें छोटी छोटी चीजें करनी भी चाहिए। आप लोगों से झूठ बोल सकते हैं, अपने टीचर से झूठ बोल सकते हैं, अपने दोस्तों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो ये बात याद रखिए कि आपको अपनी निगाहों के आगे नहीं गिरना है, अपनी नजरों में नहीं गिरना है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। अगर आपको दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले आपको स्वयं को बदलना होगा, और स्वयं को बदलोगे तो आप ये सोचो कोई बाधाएं नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बाधाएं आएंगी आएंगी, उसका सामना आपको करना होगा। जीवन में बाधाएं बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपको प्रयास करना है, छोटे छोटे गोल रखिए जिसे आपको पूरा करना होगा। जैसे छोटे छोटे गोल रखिए, मुझे आज दिन में यह काम करना है, और उसे पूरी शिद्दत से करिए, और अपने मन में बनाइए कि मुझे आज काम वो करना ही है। पंचुअलिटी लाइए अपने अंदर। अगर आपको दुनिया की नजरों में उठना है तो सबसे पहले आपको अपनी नजरों में उठना होगा। जो बच्चे टॉप करते हैं वो ये कभी नहीं कहते कि आप 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, 11 घंटे पढ़िए, लेकिन वो हमेशा ये बात कहते हैं जितना पढ़िए लगन से पढ़िए, और वो भी यही कहेंगे पहले आप 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, शिद्दत से, एकदम प्यार से। छोटे छोटे गोल रखिए, छोटे छोटे सवाल लगाइए, और उसे पूरी शिद्दत से पूरा करिए, पूरी मेहनत करिए। बेशक आप शुरू में 1 घंटा पढ़ रहे हो, आपने सुना है ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो यही ये यहाँ पे बात खड़ी होती है कि आपके छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं को सोल्व कर देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। लेकिन आप छोटे छोटे प्रयास करने से पीछे हटते रहते हैं। आपको हमेशा छोटे छोटे प्रयास करने होंगे जो आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, और ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे होंगे जो रोज 8 घंटे पढ़ाई करते हैं और कर रहे हैं। अगर आपसे 8 घंटे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो कम से कम 1 घंटे तो शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि आप एक छात्र हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, और सबसे पहला कर्तव्य आपका पढ़ाई ही है। एक समय बनाइए, मुझे इस समय यह पढ़ाई करनी है, केवल 1 घंटे ही बनाइए। छोटे छोटे प्रयास ही आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, अगर किसी काम को आप 21 दिन लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। कभी सुबह 4 बजे उठ के देखिए, अगर आप 21 दिन लगातार उठते हैं तो आपकी 22वां दिन आपकी आंखें बिना अलार्म के उठ जाएंगी। 21 दिन आपको अलार्म की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 22वें दिन आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपकी आदत होती है वो 21 दिन किसी भी काम को करने के बाद वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। और हम दूसरों को देखते हैं,
सबसे बड़ी दिक्कत और यहाँ पे ये है, हम दूसरों को देखते हैं, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो हम अपने अंदर कभी नहीं देखते। बहुत सारा टाइम हम सोशल मीडिया पर बिता देते हैं और क्या कहते हैं, बस 5 मिनट एक स्क्रॉल ऊपर करते हैं, फिर नहीं इस 2 मिनट का बाद, फिर 5 मिनट के बाद, लेकिन वो 5 मिनट 2 मिनट कब आपके आधे घंटे में बदल गए पता चला नहीं। इसी प्रकार आपके 5 मिनट 2 मिनट अगर आप पढ़ाई में देंगे, वो धीरे धीरे कब आपके 1 घंटे 2 घंटे और 8 घंटे बदल जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस प्रकार आप पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरों पर दोष मत डालिए कि मेरे माता पिता ऐसे है, मेरा पड़ोस ऐसा है, मैं पढ़ाई पढ़ नहीं पाता, मेरा माहौल का ऐसा है। संघर्ष, जितने भी बड़े बड़े आपके लोग हैं ना, सबने संघर्ष किया है। परिस्थितियां ही ऐसी चीज है जो आपको एक सफल इंसान बना सकती हैं। किसी के भरोसे ना रहना, अंतिम सांस तक लड़ना, किसी के भरोसे ना रहना, अंतिम सांस तक लड़ना, अब भाग्य भरोसे नहीं, हिम्मत के साथ लड़ना, संघर्ष करना। जय हिंद, जय भारत।